और मैं आपको बता दूं हर चार मिनट में एक है, वो एक्चुअली गाड़ियां आती है ना उनके जितने हैं ऐसा क्या पसंद आ रहा है लोगों के इस गाड़ी में आज के इस में आपको बताने वाले पांच ऐसी वजह जिस वजह से लोग कंसिडर करते हैं क्रेटा तो बिना समय बर्बाद के लेट गेट इन टू दीडियो आज अगर कोई पंद्रह बीस लाख रुपए की गाड़ी लेने जाता है तो उसके लिए बैज वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और वहीं पे अगर आप हिंडाई की बात करते हो तो आपके दिमाग में पहला इमेज जनरली क्रेटा का ही आता है तो इसी प्रकार क्रेटा का एक बहुत ही प्रीमियम एस्पिरेशनल ब्रांड बन चुका है फॉर मेनी ऑफ अस हम काफी लोग एस्पायर करते हैं कि एक दिन जाके मैं क्रेटा खरीदूंगा और ये जो उनका ब्रांड सक्सेस है उसके दो मेन कारण है सबसे पहला है क्वालिटी हमेशा से क्रेटा प्रीमियम प्रोडक्ट रही है और हिंडई ने वहां पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और उसका क्लियर एग्जांपल आपको बताओ ये गाड़ी इस साल आई है 2024 में पिछले साल पुरानी मॉडल चल रहा था डिसकंटिन्यू होने वाला था ये बात सबको पता थी लेकिन फिर भी उसके सेल्स कम नहीं हुए वो अपनी सेल्स कंटिन्यू करता रहा विद अ हाई नंबर इन द कैटेगरी तो ये दर्शाता है कि अगर आपकी बैच वैल्यू अच्छी है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है देन इन दैट केस आपका प्रोडक्ट बिकता रहेगा दूसरा रीजन फॉर मेंटेनिंग ब्रांड इमेज इज द रिलायबिलिटी आज भी 2015 मॉडल की क्रेटाज रोड पे चल रही हैं बिना किसी प्रॉब्लम के और वो खुले हम दिख भी रही है सो इसमें रिलायबिलिटी एक मेजर फैक्टर बन जाता है लोगों के लिए कि गाड़ी ड्यूरेबल है अच्छा बाय द वे चुंडई का सर्विस नेटवर्क भी काफी वाइड है और आज तक मैंने तो ऐसे नहीं सुना कि चुंडई का सर्विस इज नॉट गुड थोड़ा और बेटर हो सकता था बिकॉज उनकी सर्विस क्वालिटी बहुत बढ़िया रही है हमेशा से सो so, ये दो मेन रीजन्स की वजह से आज क्रेटा की बैज वैल्यू काफी सॉलिड है और फिर वहीं पर जब क्रेटा की बैज वैल्यू नहीं थी क्रेटा नई नई मार्केट में आई थी तब उसकी स्टाइलिंग ने लोगों का दिल जीता था मुझे अभी भी याद है जब 2015 में पहली क्रेटा आई थी इट हैड वेरी बॉक्सी लुक जिसका रोड प्रेजेंस काफी जबरदस्त था और लोगों को बहुत पसंद आ गया था आगे मिनिमल क्रोम था इट हैड दैट रियल एसयूवी लुक जो एक कार बाहर चाहता था इनफैक्ट देखो 2015 वाली क्रेटा 2018 में अपग्रेड आया क्रेटा को 2020 में न्यू जनरेशन आ गया था वहां पे भी क्रेटा स्टैंड आउट करती थी और आज जो 2024 वाला मॉडल है दैट इज आल्सो लुकिंग फैंटास्टिक। आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी में ग्रिल काफी बड़ी हो गई है इसके हेडलैम्प लीक है कनेक्टेड है टेल कनेक्टेड है।, तो है तो ये भी काफी प्रीमियम लगता है अभी मैं यहाँ पे ना ये सब चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ कि फिट फिनिश टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स इन सब के बारे में आप छोड़ दो ये सब तो अच्छा है ही गाड़ी का बट इट्स इवन द प्रीमियम डिजाइन ऑफ द इंटीरियर आप पैसे किस बात के देते हो गाड़ी में जब आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो इट्स द प्रीमियम मैंने आईफोन खरीदा है कभी इट्स नॉट जस्ट द बैज वैल्यू इट्स इवन द स्टाइलिंग ऑफ द फोन सो दैट इज़ हाउ योर इंटीरियर लुक्स ऑफ द क्रेटा एज वेल यहाँ पे आपके पास दो कनेक्टेड स्क्रीन है फेसलिफ्ट मॉडल होने के बावजूद उन्होंने फुल लेआउट चेंज किया है गाड़ी का जनरली फेस लिफ्ट में वो लोग सिर्फ फ्रंट ग्रिल चेंज करके छोड़ देते हैं दैट्स अबाउट इट पे इन्होंने काफी सारे चेंजेस किए गए न्यू कलर्स इंट्रोड्यूस किए इंटीरियर में विच मेक्स इट लुक नाइस वहीं पे भले ही इसका जो टेक लोडेड टच स्क्रीन है अगर आपके पेरेंट्स भी इसे यूज करना चाहेंगे डिस्पाइट बीइंग अ प्रीमियम यूआई, इसका यूजेबिलिटी बहुत आसान है और और इसके जो इसी है, उसको थोड़ा रेट्रो लुक देने की कोशिश की कोशिश गई है, विद चंकी वहीं अगर आप एक प्रीमियम चीज नोटिस की, देख की कि कि क्रेटा की जो सेकंड रो सीट जो बैक सीट है यहाँ पे तीन लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इन द एंटायर कैटेगरी इनफैक्ट हमने जब यहाँ पे सेकेंड रोड टेस्ट भी किया है ऑन बैड रोड या स्पीड ब्रेकर्स हमने नोटिस किया कि क्रेटा की जो कंफर्ट है स्पीडी गुड यानी कि अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो आप कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो फॉर एन एंटायर डे विदाउट एनी काइंड ऑफ कंसर्न और ये चीज इस गाड़ी के फेवर में क्लियरली जाती है अब इसका जो सेंट्रल टनल है वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है तो इस वजह से तीन लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं इस गाड़ी में वैसे क्रेटा के हायर वेरियंट में आपके पास सॉफ्ट क्वेश्चन भी यहाँ मिल जाता है जो आपकी कंफर्ट को फर्दर एनहस कर देता है हाँ थर्ड पैसेंजर के लिए यहाँ पे बस हेडरेस्ट नहीं है बट आई डोंट थिंक सर डेट कैन बी अ मेक और ब्रेक डिसीजन गाड़ी खरीदने के लिए ओवरऑल गाड़ी काफी कंफर्टेबल एंड स्पेशियस है एंड अगर आप नोटिस करोगे मैं यहाँ शेड में खड़ा हूँ फिर भी गैबिन काफी एयरी फील होता है जो पैनारोमिक सन रूफ है उस पर थिन लेयर ऑफ फिल्म भी दिया गया है एंड यहाँ पे सन ब्लाइंड भी दिए गए अगर आपको लगता नहीं यार गाड़ी के अंदर धूप काफी आने वाली है सो यू गेट दिस

देखिए दो प्रकार या तीन प्रकार के लोग ही रहते हैं जो गाड़ी चलाते हैं एक जो आराम से चलाते हैं सिटी में हाईवे पे भी जाएंगे तो 100 110 तक मैक्सिमम जाएंगे और वो कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखेंगे तो उन लोगों के लिए है द नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का इंजन आता है ये तो आपको अच्छा खासा पावर भी मिल जाता है यहाँ अच्छी खासी फ्यूल एफिशियंसी भी मिल जाती है वहीं पे दूसरा इंजन है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं उनके लिए फ्यूल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए आ जाता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन तीसरा ऑप्शन इज द न्यू टर्बो पेट्रोल इंजन अब देखिए Hyundai के पास ऑलरेडी क्रेटा में 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन था और ये इंजन काफी अच्छा चल रहा था उनके लिए लेकिन उन्होंने उसे डिसकंटिन्यू करके और ज्यादा पावरफुल इंजन को ऑफर किया है जो एक 1.5 लीटर का इंजन है और इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पावर भी बनाता है

सिटी ड्राइवर्स मोस्टली रहेंगे ये क्रेटा बायर्स ज़्यादा तेज नहीं जाएंगे हाईवे पे तो उनको एकदम स्मूदर राइड चाहिए तो इसके लिए आईवीटी दे दिया एज द सेकेंड ऑप्शन वहीं पे जो डीजल इंजन है उसके साथ टॉर्क कन्वर्टर है तो जैसे आप एक्सेटर दबाओगे यूल स्टार्ट गेटिंग दैट डाउन हर बार तीसरा इंजन ऑप्शन जो है उनका 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल उनको पता है देखो जो इसे लेने वाला है वो कंफर्ट चाहेगा तो इसलिए ऑटोमेटिक दिया है एज जो मैनुअल चलाना चाहेगा यानी कि उसको थोड़ा सस्पेंशन सेटअप भी चेंज होना चाहिए उसको थोड़ा चलाने में मजा आना चाहिए तो इस वजह से उन्होंने मैनुअल क्रेटा के लाइन में ऑफर कर दिया सो यू नो दिस इज हाउ डिफर ताकि आप एज अ कार कारोबार को कंफ्यूजन ना हो और उनके पास ऑप्शन है जैसे उनके पास आई एम टी गियर बॉक्स भी है डीजल में

मैं आपको ये बता दूं क्रेटा में हमेशा से फीचर्स तो आते ही क्रेटा इज ऑलवेज बीन फीचर इच कार एंड देर आर नो टू वे अबाउट इट आप जो फीचर बोलो इसमें मोस्टली आता ही है एंड सी हर बार सिर्फ फीचर्स के पीछे नहीं जाना चाहिए आपको फीचर्स की क्वालिटी भी आपको देखनी चाहिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस गाड़ी में आपको टेन इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है इसकी आप ब्राइटनेस देख लो आप इसका यू क्वालिटी देख लो लुक एट द्री सिक्सटी डिग्री कैमरा की क्लैरिटी दिस इज सो स्मूथ इसका इंटरफेस कितना अच्छा है सो so, ये सब चीजें भी आपके लिए इक्वली मायने रखती है अब इसमें आपके पास ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिल जाता है तो अगर आप लेफ्ट या राइट जाते हो तो आप वो इंडिकेटर यूज कर सकते हो एंड वहां पे भी आप रात को जब इसे इस्तेमाल करोगे आप नोटिस करोगे कि इसकी ओवरऑल क्लैरिटी काफी बढ़िया है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वेंटिलेटेड सीट्स एडाज लेवल टू इनफैक्ट एडाज लेवल टू पे तो हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया ऑन द क्रेटा जो आप देख सकते हो क्योंकि आज इंडिया में जो लेटेस्ट एडाज अवेलेबल है सारे फीचर्स वो क्रेटा में सबसे ज्यादा फीचर्स अवेलेबल है इनफैक्ट क्रेटा आज इंडिया की हाइस्ट सेलिंग गाड़ी है जिसमें एडाज अवेलेबल है सो इन दैट केस हमने बोला इसी पे वीडियो बना देते हैं वी मेड अ डिटेल वीडियो फॉर यू मैं आपके लिए लिंक आई बटन में छोड़ रहा हूँ डो नॉट फरगेट टू गो एंड चेक इट आउट एज वेल वैसे फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं

एडल्ट और चाइल्ड दोनों में फाइव स्टार रेटिंग मिला है जो कि हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और उन्होंने कहा था कि वो लोग अपनी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों को ग्लोबल एन कैप या भारत एन कैप पे भेजेंगे जिससे आप एज अ कंज्यूमर को हमेशा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे तो so ये थे पांच रीजन जिस वजह से लोग यूडाई क्रेटा कंसिडर करते हैं आज ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रीमियम एसयूवीज़ है वैसे हमने आपके लिए डिटेल में तो पॉइंट्स वहां कवर किए बट मेरे हिसाब से वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट एलिमेंट्स जो क्रेटा का ये है कि वो कहीं पे भी कुछ मिस आउट नहीं कर रहा है सारी चीजें आपको भरपूर देता है जिसे आप एज अ कार बायर को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिले वैसे मैं वैल्यू फॉर मनी डाल सकता था एज अ सिक्स पॉइंट बट आई थॉट नहीं आई थिंक दीज आर द फाइव कोर पॉइंट्स जो मैं यहाँ आपके लिए कवर करना चाहूंगा ऑन द क्रेटा क्रेटा हमारे कंसल्टेशन पे इज वन ऑफ द मोस्ट आस्ट एस यूज इन टर्म्स ऑफ क्रेटा ल्यू के ये सो दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ पीपल गेट द आंसर्स तो अगर आपको लग रहा है आप गलत गाड़ी ले लोगे बिना किसी से बात किए तो इन दैट केस आप हमसे हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पर जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो जी हाँ दोस्तों ऐसी सर्विस ना कोई देता है ना देगा तो आपको करना क्या है चले जाइए मोटरॉकटेन डॉट कॉम स्लैश कार वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ एक्सपर्ट लाइक सेड इज वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस हुए, जैसे ताकि आपके पैसे गलत जगह न लग जाए तो इसीलिए कहता हूँ मोटरॉकटेन को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वील सी यू टूमोरो वेथ वन मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग वीडियो Take care guys, love you all, see you tomorrow, bye.